अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बड़े ही ठीक खुशबाश होंगे। अच्छा जी, मैं पंजीरी की रेसिपी लेके आई हूँ आज आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जी, ये सब एक एक पाव चीज़ें हैं, उनमें है मगज़ हैं, चारों मगज़ हैं, सूंड है, आधा सूंड एक चटांक लेनी है, और कमरकस भी आपने एक चटांक लेनी है, बादाम आपने जो जितने भी किशमिश डालने हैं वो अपनी मर्ज़ी से डालने हैं। मैंने काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, पिस्ता डाला है, अखरोट डाले हैं और सूंड डाली है, फिर कमरकस, फूल मखाने, और मैंने डाला है अपना नारियल, वो आपने लेके कद्दूकश कर लेना है। तो ये जी कद्दूकश हमारा जो छोटा था उससे सही नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपने भरा को भेजा, मैंने कहा जा वे नाल दिया करो ले कि आ। तो फिर वो साथ वालों के घर में गया है, हमारी प्यारी खाला के घर, उनसे पूछने के लिए। फिर उनसे लेके उसको मैंने कद्दूकश कर लिया अच्छे तरीके के साथ। बाकी सारी चीज़ों को आपने कर लेना है ग्राइंडर, फिर उसके बाद हम बाज़ार चलेंगे क्योंकि हमारी गैस बंद हो गई थी, गैस पे सारा काम होना है। तो मैंने कहा चलो बाज़ार का भी थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है मंसूराबाद बाज़ार, वहाँ से लिया हमने अर्जेंट फेशियल, और मेरी भाभी की बहन थी उन्होंने कटिंग करवानी थी, कटिंग करवाई है। तो फिर हम उसके बाद घर वापस आए हैं। तो देखें जी, जो जो लोग फैसलाबाद को जानते हैं उनको तो पता चल जाएगा कि कौन सा बाज़ार है, तो जो लोग नहीं जानते उनको भी याद आ जाएगा, क्या पता मेरे साथ मेरी कज़न गई हो यहाँ पे। तो अच्छा, अपना ही एक अलग मज़ा है, इन छोटे बाज़ारों का मज़ा आता है। चलें जी, फिर आ गए थे घर शाम को, यहाँ पे फैसलाबाद में 6 बजे गैस आ जाती है, तो फिर हमने ये अपना काम शुरू किया है। तो जी, सबसे पहले आपने आधा किलो घी लेके उसके अंदर एक आधा पाव आपने सूजी लेनी है जिसको आपने भूनना है, फ्राई करना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कमरकस और सूंड जो है उनको मैंने फ्राई करके देसी घी में आपने सारा काम करना है। तो मैंने उनको कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था, और ये सारी जितनी भी थी ना नट्स, उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ, जब आपने हल्की आंच पे, आग तेज़ नहीं करनी क्योंकि जल जाएगी सूजी, सूजी को आपने अच्छे से फ्राई करना है। जब आपको खुशबू आना शुरू हो जाए, आपको लगे कि हाँ जी जी ऐप भुज गई जे, तो फिर तुसी एक साइड पे चाश रख लेनी है। कुछ लोग बनाते हैं गुड़ में, कुछ लोग चीनी में बनाते हैं, तो हमारे पास सब, मेरे पास गुड़ या शक्कर अवेलेबल नहीं थी, तो घर में चीनी थी, तो मैंने कहा चलो चीनी से बना लेते हैं। तो ये चाश वाला जो है ना, ये फर्स्ट टाइम मम्मी बनाने लगी थी, क्योंकि हमेशा जो चीनी है ना पीस के भी डाल दी जाती है। तो ये पहले मैंने 1 गिलास पानी डाला, फिर मैंने कहा हो की हो गया ही, थोड़ा कर, फिर मैंने इसको थोड़ा किया। तकरीबन आधा कप आपने डालना है पानी, और आधा किलो ही मैंने चीनी डाली थी, चीनी मैंने ज़्यादा नहीं डाली, आधा पाव सूजी के हिसाब से मैंने बनाई है। बाकी सारी चीज़ें पाइया पाइया की थी, कमरकस और सूंड सिर्फ एक चटांग थी, और जो फूल मखाने थे वो भी आई थिंक एक चटांग थे शायद, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाते हैं क्योंकि उनका वज़न नहीं होता। अच्छा, इसको जब हमने चाश बनानी है तो इसके अंदर भी हमने घी डाल देना है। तकरीबन मैंने 1 किलो घी जो है ना, ये उसके इसके अंदर डाला है, इस पंजीरी के अंदर। अच्छा, ये भुन गई थी, इसके अंदर मैंने चीज़ें अब मिलाना शुरू कर दी हैं, जो जो चीज़ें आपने ग्राइंड की हैं सारी इसके अंदर अब मिक्स कर देनी है। जब मिक्स कर लेंगे तो बाद में हमने इसके अंदर चीनी डालनी है। ये देखें जी, उसको मिक्स कर लिया। अब मैंने इस चीनी का भी है ना बड़ी टीट होया सी कि वो जड़ा ना इन्ना सख्त होया सी ना, ये मेरे को टुटन नहीं सी दिया, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी नाल खोर खोर जाए। ये देखें एंड उत्ते मैं बढ़िया छुरियाँ चलाइया, पर ये बड़ा टीट सी, कभी तिलक के इधर तो कभी तिलक के उधर। तो ये घी मुझे कम लग रहा था, हालांकि मेरी भाभी, ये मैंने अपनी भाभी के लिए बनाया है, मैंने आपको बताया था माशाल्लाह मेरे भाई के घर अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हुआ है, तो अपनी भाभी के लिए बनाया था। तो भाभी कह रही थी घी ज़्यादा, मैं कहा खा खा ताकत बना, यहो जी ताकत बस पाकिस्तान ची लभनी आने तानू। तो ये चाश भी बिल्कुल तकरीबन तैयार हो गई है, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी मैंने डाल दी हैं, बादाम, किशमिश सारी जितनी भी थी, काजू, पिस्ता, सब जो है ना। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो मुझे लगा था ना, मुझे लगा था नारियल को कश करना, उफ बड़ा, यकीन माने बाजू जो है ना मेरे खली पड़ गई थी बाजू में। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ये ज़रा वैसे नहीं होगा, मुश्किल लग रहा था। फिर मैंने कैमरा साइड पे रख दिया, मैंने कहा इसको ज़रा अच्छे से हिला देती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी लगी हुई थी, तो बेचारी बूढ़ी जान है मेरी प्यारी मम्मा, तो मैंने कहा उसकी क्या बाजू थकानी, तो मैंने कहा चलो मैं खुद हिला देती हूँ। देखिया कि वह हले भी बच्चे पुड़कन ने आना है, नहीं ढिला हो दिया, बड़े बदतमीज है, मैंने ना गुस्सा चढ़ा रहा है एक्चुअली, मैं कहा तू क्यों इन्ना आकड़न दिया मेरे अगे। तो बस क्या कह सकते हैं,
कुछ लोगों को आदत होती है हमें याद करने की तो उन लोगों की तरह ये भी घी ज़रा ज़्यादा ही शोखा हुआ था। चलें, मैंने इसको फिर मिक्स कर रही हूँ, मिक्स 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 मिक्स। मैं कहती हूँ इसको यही देख रहे होंगे कि एक हाथ से चम्मच हिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने कहा हूँ ना ज़रा सुकून देना, ये देखें शक्ल चेक करें। चलें, अच्छे से मिक्स करके तो ऊपर मैंने डाल दिया सारी चाशनी इसकी जो थी, उसके अंदर भी घी था, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था सारा। पानी आपने खुश्क ही कर लेना है क्योंकि इसके अंदर पानी वगैरह नहीं होता, वो सारा बिल्कुल खुश्क हो जाता है, आधा कप होता है मेरे ख्याल में, वो जल्दी खुश्क हो जाता है। फिर ये घी के अंदर ही मेल्ट होती है चीनी सारी जो है ना, अच्छे तरीके के साथ। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर हमने इसको करना है डिश आउट। और मैं कहती हूँ, मैंने अपने मुर्तज़ा भाई जो हैं वो ये चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं, तो उनको मैंने चेक करवाई थी, तो उन्होंने कहा कि बाजी, पता नहीं उनसे अच्छी तारीफ़ कर रही थी ये झूठी, लेकिन कह रहे थे बाजी बहुत ही मज़े की, मैंने पहले कभी नहीं खाई, और मैंने भी वैसे कभी बनाई नहीं, मैंने अम्मी के साथ मिलके फ़र्स्ट टाइम बनाई है, ये देखें बड़ी मज़ेदार। चलें जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, और ये पंजीरी भी ट्राई करें, अपने प्यारों को खिलाएं, बल्कि ख़ुद भी खाएं, अगर बच्चे थोड़ी बहुत खा सकते हैं तो उनको भी खिलाएं। मेरे बड़े बेटे ने तो नहीं खाई, छोटे ने थोड़ी सी खाई थी। ताकत वाली चीज़ है जी। अल्लाह हाफिज़।